हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए वीडियो है। उससे पहले बता देता हूं कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि जो दोस्त है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी उनके सर्टिफिकेट के बारे में या सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में। तो मैं बता देता हूँ, जिन दोस्तों ने हैंडीकैप्ड है और उन्होंने अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या पुराना सर्टिफिकेट हो चुका है तो नया बनवाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है दोस्तों कि उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए जाते हो तो वहाँ से आपको ये बोला जाएगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करवाओ। तो जो गांव से या अनजान दोस्त होते हैं वो मार्केट में घूमते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे ऑनलाइन करवाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हैंडीकैप्ड है आप अड़ोस पड़ोस में, आप उनको भी ये बता सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊँगा जानकारी। तो इसके अंदर है ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये वेबसाइट है जिसके अंदर आप क्या है कि हैंडीकैप्ड का फार्म है जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। इसके लिए आपको एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम और यहाँ पे उसका एप्लीकेंट का हिंदी के अंदर नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में और यहाँ पे उनकी एज है ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पे मेल या फीमेल कैंडिडेट है वो फिल करना है, ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, मेरिड अनमेरिड वाला आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जो फ़ोटो हैंडीकैप कैंडिडेट है उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर उसका सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर उसका एड्रेस है वो फिल करना है, यहाँ पे हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में एड्रेस है जो फिल करना है इसके अंदर। इसके बाद में है अपलोड ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के प्रूफ में आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, कोई भी आईडी कार्ड जो है यहाँ पे जिस पे एड्रेस दिया हो कैंडिडेट का वो अपलोड कर सकते हैं 100 KB से कम साइज़ में, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ से सेम एड्रेस कर सकते हैं आप। ये सारा फिल करने के बाद में अगर पढ़ा लिखा है तो इसमें 10वीं 12वीं प्राइमरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अनपढ़ है तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करना है और बाद में इस फार्म को क्या है सबमिट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही इस फार्म को सबमिट करोगे आपका फार्म है जो ऑनलाइन उनके पास पहुँच जाएगा। आपको दो फार्म मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन के भी ऑनलाइन ही आएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपका आएगा वन एक वीक, एक हफ्ते के अंदर लगभग आएगा। तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन पेज दिया हुआ है, लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। लॉगिन में आपसे पूछा जाएगा कि अलॉटमेंट नंबर या यूआईडी नंबर, तो अलॉटमेंट नंबर आपके पास है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका एक नंबर जनरेट हुआ है, वो आपके मोबाइल पर मैसेज में भी आया है और जो प्रिंट आउट है उस पर है वह नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की आईडी खुलेगी दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिखाया है वेलकम टू साइन माई अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो फार्म डाउनलोड दोबारा कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये दिया हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट है वो बना है या नहीं बना है। यहाँ पर अपना नंबर डाल के गो पे क्लिक करना है। अगर आपका एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बन चुका है तो यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इस पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, इसका कलर प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद में आप इसको पेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। पेंशन के लिए अप्लाई करना है आपको, वो आप सरल पोर्टल जो है हरियाणा का उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सीधा सा आसान सा तरीका कि आपको जो है कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन करवा के सीधा अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो और ऑनलाइन ही आप डाउनलोड करवा सकते हो, यही उनके अंदर वैलिड होता है। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ एक दो हैंडीकैप दोस्त है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है
तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर कोई भी प्रकार की नई जानकारी आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करना है, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा।